हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसका ये 11वां लेक्चर है और इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस को लिया हुआ है और 50 क्वेश्चंस और बाकी हैं जो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा अभी 2-3 दिन के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो 69th गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को दिया गया है? महाराष्ट्र की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है निश्चित रूप से। ओके, तो इस जो ये जो झांकी थी इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिखाया गया था। ओके, देन बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड किसको मिला है? जो ट्राई सर्विसेज हैं हमारी, उसमें पंजाब रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड मिला हुआ है। इसके बाद बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट पैरा मिलिट्री और अदर, इसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। और ये जो झांकी है ये 20 वर्षों बाद पहली बार ही आई थी, ठीक है, प्रदर्शनी के लिए 20 वर्षों के गैप के बाद। और ऑल इंडिया रेडियो की झांकी भी पहली बार इस बार 26 जनवरी की परेड में शामिल की गई थी। ठीक है, तो ये आप भी याद रखिएगा। देन केंद्रीय मंत्रालयों में सर्वोत्तम झांकी का पुरस्कार किसे में दिया गया? खेल तथा युवा मामले के लिए, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर खेलो इंडिया। जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम चालू किया है इस खेल और युवा मंत्रालय ने, तो उसके लिए जो झांकी बनाई गई थी उसको पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है खेलो इंडिया, ये 17 साल की जो उम्र के बच्चे हैं और उनको स्पोर्ट्स में उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार किस झांकी को दिया गया? ये जो मध्य प्रदेश की एक झांकी थी, साउथ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर्स, और यहाँ पे बरेडी डांस का इन्होंने बनाया था सेटअप, बरेडी डांस। ठीक है, तो वो ये डांस भी पूछा जा सकता है कि जो बरेडी डांस है वो किस राज्य से रिलेटेड है, संबंधित है, तो वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 25वां वायु रक्षा दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को 25वां वायु रक्षा दिवस। देन भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? ये कई बार बताया मैंने, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिएगा। इसरो के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये भी कई बार पूछा भी है, कई बार बताया भी है, तो इसका भी आंसर आप मुझे देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, ये एक फार्मर के पुत्र हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो आप इनका नाम जरूर रखिए और इनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। किस भारतीय को फ्रांस सरकार ने लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया है? सौमित्र चटर्जी को। ठीक है, तो ये जो सौमित्र चटर्जी हैं, इनको जो 42वां बुक फेयर हुआ था कोलकाता के अंदर, वहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया और ये फ्रांस का सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार है, लीजन ऑफ ऑनर। ओके, इसके बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में जुमा नामक सैटेलाइट मिशन की शुरुआत की है? स्पेस एक्स। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है, स्पेस एक्स एजेंसी, इसके ओनर कौन है? ईलन मस्क, है ना। तो और इन्होंने जो रॉकेट यूज किया उसका नाम है फॉल्कन 9। ये इम्पोर्टेंट डेटा है, आप देख लेना इसको। ठीक है, फॉल्कन 9 जो स्पेस एक्स एजेंसी है इसके मालिक एलन मस्क हैं, और जो रॉकेट यूज किया उसका नाम है फॉल्कन 9। देन फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? पुलिकट लेक में। ये कहाँ पर है? पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश के अंदर। कचरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? रायपुर में। ये जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कचरा महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन दुधवा नेशनल पार्क यूपी में किया गया, ये यूपी से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रामायणा फेस्टिवल ऑफ एशियान, एशियान का जो रामायणा फेस्टिवल था वो कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली, और जितने भी एशियान के मेंबर थे सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जीईपी 2018 के अनुसार 2018 में भारत की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? 7.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ने जितना भी अनुमान लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस ईयर के लिए है? 2018 के लिए। 2019 के लिए इन्होंने कितना अनुमान लगाया है? 7.5%, 2019 के लिए। आईएमएफ ने कितना क्या लगाया वो भी देख लीजिए। जो आईएमएफ ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक है, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। ओके, या ये आप जरूर याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और आईएमएफ ने कितना जो
अनुमान लगाया है वो 6.7% है किसके लिए, 2018 के लिए, ओके, और 7.4% का अनुमान लगाया हुआ है 2019 के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2018 के तो आप याद ही रखना। 6.7% IMF ने लगाया हुआ है और 7.3% वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। इसके बाद किस राज्य ने लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जो लॉजिस्टिक ईज है, जो आपका जो सामान का जो स्टेट्स के अक्रॉस वो मूवमेंट होता है, उसमें सबसे ज्यादा ईज कहाँ पर है, आसानी कौन से राज्य में है, तो उस इंडेक्स में पहला स्थान गुजरात को दिया गया है, ओके, और यूनाइटेड टेरिटरीज में दमन और दीव को, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके बाद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का MD तथा CEO किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप आसबे। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। BCCI ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से 5 माह के लिए सस्पेंड कर दिया है? यूसुफ पठान। यूसुफ पठान को डोपिंग टेस्ट में वो फेल हो गए, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है। किस अभिनेता को BMC ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? अक्षय कुमार को। ठीक है, इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री ने भारत में कहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये जो रक्षा मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहां पर कोयम्बतूर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। कोयम्बतूर कहां पर है? तमिलनाडु में। ओके, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, देन भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जिसने अपने सभी ब्लड बैंक को ई रक्तकोश के माध्यम से जोड़ दिया है? जो 45 उसके सरकारी वर्ल्ड बैंक है, तो ऐसा हुआ है पंजाब के अंदर। तो वहां पे जो भी डेटा होगा सभी ब्लड बैंक में, जो अवेलेबिलिटी होगी ब्लड की उनके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग, वो सब ई ग्रुप जो है आपका ई रक्तकोश वहां पे पता कर सकते हैं। इसके बाद UIDAI ने हाल ही में आधार डाटा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक आभासी ID जारी की है, वर्चुअल ID, VID। ठीक है, तो इस ID में कितने अंक हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16 डिजिट हैं इसके अंदर ये, चूंकि जब आधार को जारी किया गया था तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था कि आधार में कितने डिजिट्स हैं। तो आधार में कितने थे? 12 डिजिट्स। ठीक है, और जो VID है उसमें 16 डिजिट्स रहेंगे, तो ये आप याद रखिएगा। इसके पैन कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? पैन में 10 डिजिट्स होते हैं। ओके, इसके बाद जो आपका वो है ना IFSC कोड जो होता है बैंक्स के लिए, उसमें 11 डिजिट्स होते हैं। ओके, ठीक है। राष्ट्रपति को राज्यपाल, अच्छा एक रिपोर्ट बनाई गई है, इसमें क्या हुआ है कि राज्यपाल विकास के राजदूत इस नाम से एक रिपोर्ट सौंपी गई राष्ट्रपति को, और इस रिपोर्ट को किसने बनाया है? कुछ राज्यपाल ने मिलके इस रिपोर्ट को बनाया है, और उसका पर्पज ये होगा कि कैसे जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, ये समाज के विकास में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस चीज को एनालिसिस करके एक रिपोर्ट दी गई राष्ट्रपति को, राज्यपाल विकास के राजदूत। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जो कमेटी थी उसमें कितने राज्यपाल थे? 5 राज्यपाल थे उसमें, इतना याद रखिएगा बस। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप बनाया है जिसका नाम है स्विफ्ट 7? ठीक है, तो ये कंपनी है एसर, और ये जो लैपटॉप है इसकी मोटाई है 8.89 mm, तो 8.98 mm है। ठीक है, आप सही कर लेना इसको, बस पूछा नहीं जाएगा, ये 8.98 mm, बस आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा इमेजिन कर पाओ कि कितना पतला ये। सिक्किम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? ये कई बार बता भी चुका हूँ, AR रहमान ने। AR रहमान को सिक्किम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद किस देश ने प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी के अध्यापन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऐसा ईरान ने किया है। ठीक है, और ईरान ने इंग्लिश के टीचिंग पे प्रतिबंध लगा दिया, और उसने रीजन ये दिया है कि अंग्रेजी की वजह से जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत ईरान में आ रहा है, और उसको रोकने के लिए उसने अंग्रेजी पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, विज्ञान तथा तकनीकी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, कनाडा के साथ में। ठीक है, तो कनाडा के जो प्रेसिडेंट है कौन है? जस्टिन ट्रूडो, अभी इंडिया की विजिट पे थे, है ना,
और वहाँ के रक्षा मंत्री कौन है? सरदार जी हैं एक हरजीत सिंह, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं कनाडा के। ओके, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। ओके, तो इसके बाद देखते हैं कि और भी कई सारे जो समझौतों पे हस्ताक्षर किए गए, किस किस के साथ क्या क्या साइन किया गया है। जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है? इटली के साथ में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद इसराइल के साथ कौन कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑयल एंड गैस, ये देखो यार, नौ नौ एग्रीमेंट हैं वो साइन किए गए हैं, आप याद रखो। कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ऑयल एंड गैस और फिल्म को प्रोडक्शन पे, अब ये साथ में मिलकर पिक्चरें बनाएंगे। एयर ट्रांसपोर्ट पे, देन होम्योपैथी पे, स्पेस पे, मेटल एयर बैटरीज पे, इतने याद रखो आप। इसके बाद यूके के साथ में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिटर्न ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स और शेयरिंग क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स इधर उधर से भाग के जाते हैं, जो बहुत सारा पैसा चुरा के निकल जाते हैं, है ना, नीरव मोदी टाइप के लोग, तो उनको एक दूसरे को प्रत्यार्पण किया जाएगा उनका, और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजा जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। इसके बाद म्यांमार के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है वो लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, इसके लिए अग्रीमेंट हुआ है। मलेशिया के साथ एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए समझौता पे हस्ताक्षर किए गए। वियतनाम के साथ में सूचना प्रसारण और स्पेस रिलेटेड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कंबोडिया के साथ में क्रिमिनल मैटर्स जो हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो आप ये जरूर याद रखना कौन कौन से हैं। इसके बाद कंबोडिया में एक स्टुंग स्वा हब वाटर रिसोर्स है, इसका डेवलपमेंट करेगा भारत, ठीक है। तो भारत स्टुंग स्वा हब वाटर रिसोर्स का डेवलपमेंट करेगा। इसके लिए इंडिया ने 36.92 मिलियन USD दिया है कंबोडिया को। ओके, इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक नया जहाज चार्ली 435 कहाँ पर कमीशन किया है? करैकल के अंदर। तो आप जरूर याद रखना है इसको। करैकल कहाँ है? पौंडिचेरी में, सॉरी। तो करैकल कहाँ है? पौंडिचेरी में। ओके, पौंडिचेरी को स्मार्ट सिटी के रूप में कौन डेवलप करेगा? फ्रांस, बताया मैंने आपको पहले, ठीक है। फ्रांस कौन कौन से तीन सिटीज को डेवलप करेगा? बता चुका हूँ, CNP, चंडीगढ़, नागपुर और पौंडिचेरी। ओके, और आपका जर्मनी कौन कौन से तीन स्मार्ट सिटीज डेवलप करने वाला है बताइए आप? KBC, बताया था ना ऐसे मैंने, के से आपका कोच्चि, बी से भुवनेश्वर और सी से कोयम्बतूर। और आपको पुणे को कौन डेवलप करेगा? चीन। पुणे को चीन डेवलप करेगा और अमरावती को सिंगापुर, ठीक है। तो अमरावती को सिंगापुर, ठीक है, लिख लेना आप। तो ये है, आप इसको जरूर याद रखना। और अभी टोटल कितने स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर कर दिए गए? 99। अभी जो चौथे चरण के जो स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर किए गए हैं उसमें तीन स्मार्ट सिटीज यूपी के भी हैं, जो जस्ट पिछले लेक्चर मैंने बताया। तो आप प्लीज मुझे ये जो तीन सिटीज हैं ये आप आंसर में लिख के बताओ, कौन से तीन सिटीज हैं जिनको अभी चौथे स्टेज में स्मार्ट सिटीज के लिए डिक्लेयर किया गया यूपी के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद भारत के किस शहर ने बस तथा मेट्रो दोनों में चलने वाले कॉमन मोबिलिटी कार्ड को चालू किया है? दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है, अब एक ऐसा कॉमन कार्ड जारी किया जाएगा जो वहाँ की जो जो मेट्रो है उसमें भी चलेगा, और जो आई थिंक फीडर बसेस चलती हैं वहाँ पे भी वो एक ही कार्ड चलेगा, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जो ये फुल फॉर्म है तो इसका शॉर्ट है स्फूर्ति ऐप। तो स्फूर्ति ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये खेल मंत्रालय ने लॉन्च, सॉरी, रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होगा ना, जैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको जैसे रोड दे दिया जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट दे दिया जाएगा, शिपिंग मंत्रालय दे दिया जाएगा, है ना, या कॉमर्स मिनिस्ट्री या इंडस्ट्री दे दी जाएगी, तो आप फ्रेट वगैरह देख के आपको लगेगा कि शायद वो होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, तो ये स्फूर्ति है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये आप जरूर याद रखना, और स्फूर्ति का फुल फॉर्म भी चाहो तो याद करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, इसको मैं स्टार दे सकता हूँ, ठीक है। भारत किस रोग को 31 दिसंबर 2017 तक खत्म करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
ये जो है वो है काला अजर, ठीक है। काला अजर जो बीमारी है, इसका लक्ष्य था 31 दिसंबर 2017 तक खत्म करने का, वो हुआ नहीं है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काला अजर जो है ये बीमारी कैसे फैलती है, ये विषाणु जनित बीमारी है या प्रोटोजोआ से फैलती है ना, तो कैसे फैलती है ये आप मुझे बताओगे, इसका कारक क्या है। अब अभी साइंस पढ़ रहे होगे ना, बायोलॉजी, तो उसमें आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ और जैसे टीबी है, ठीक है, टीबी को इंडिया से पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है, 2025 तक का, ठीक है। मलेरिया का कितने तक का है, 2027 तक का, ओके। और एचआईवी एड्स का कितने तक का है इंडिया से खत्म करने का, वो है आपका 2030 तक का, ठीक है। तो ये भी अदरक देख लेना, ठीक है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। पर हाँ एक बात यहाँ याद रखना है कि ये विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, पर जो नेशनल राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप यहाँ जरा कंफ्यूज मत हो जाना, 14 सितंबर है जो वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ओके। मुंबई में कौन सा पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका संचालन सिर्फ महिलाएं कर रही हैं, तो ये आप मुझे बताओगे। मैंने अभी जस्ट पिछले वीडियो में बताया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, ठीक है। तो इसका आंसर दोगे आप, दे ही लोगे निश्चित रूप से अगर मेरे वीडियोस आप देख रहे हो तो। इसके बाद एक पीवीटीजी कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें एक मन किडिया ये ट्राइब है, ठीक है, ये एक टाइगर रिजर्व में रहा करती थी, ठीक है। तो अभी वहां से क्या हो गया, इनको निकाल दिया गया है, ओके। तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर ये लोग रहते थे, तो वो है सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो ये लोग सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में रहा करते थे, ये उनका आवासीय क्षेत्र था, वहां से इनको निकाल दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये मनकिडिया जो है इनके बारे में पूछा जा सकता है कहाँ पर रहते थे, ये एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप बिल्कुल, मैं कोई भी फालतू वालतू क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ, अच्छे क्वेश्चन ही लेके आता हूँ वीडियो में। छात्राओं की शिक्षा शुरू से लेकर पराय स्नातक तक निःशुल्क करने के लिए जो समिति बनाई गई उसकी अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो ये एक ऐसी समिति बनाई गई है जिसमें ये स्टडी कर रहे हैं कि छात्राओं को शुरू से लेके और पराय स्नातक तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जितना भी करना चाहिए उसकी एक पूरी एनालिसिस की जाएगी। तो उसकी अध्यक्षता किसने की है, कदियम श्रीहरि ने, ठीक है, कदियम श्रीहरि, ये तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं, कदियम श्रीहरि। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव, ओके। इसके बाद किस देश ने जद्दा से समुद्र के रास्ते हज यात्रा पर जाने के लिए सऊदी अरब के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऐसा किया है भारत ने। आपको ऑप्शन दिया जा सकते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब आई थिंक 30 साल, 23 साल ईयर्स के बाद में ऐसा हुआ है कि अब जो है समुद्र के रास्ते से हज यात्री जा सकते हैं सऊदी अरब भारत से। इसके बाद 2017 में AIIB से सबसे ज्यादा ऋण लेने वाला देश कौन सा हो गया है, भारत। तो भारत ने 2017 में AIIB से सबसे ज्यादा ऋण लिया है, ओके। तो जो AIIB है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में है, और सबसे ज्यादा इसमें जो शेयर किसका है, चाइना का, नंबर 2 पे किसका है, इंडिया का, ओके। इसके बाद 35th क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के अंदर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो ये पिछले एक आध वीडियो में कर चुका हूँ, आंसर इज बिहार। बिहार ने ई सिगरेट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद कौन सी राज्य सरकार गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन हैकाथॉन तकनीकी का प्रयोग करने जा रही है, तो ये तीसरा स्टेट है कर्नाटका, ओके। तो जो गवर्नेंस अच्छे गुड गवर्नेंस के लिए ये तकनीकी यूज करेगी, ब्लॉकचेन हैकाथॉन। तो इसके पहले दो स्टेट्स थे जिन्होंने ऑलरेडी इस तकनीक को यूज कर रहे हैं, वो है अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये आसपास के ये स्टेट्स हैं, एकदम मैप में देखोगे तो ये तीनों मिलके ऐसा करेंगे। इसके बाद भारत तथा इसराइल ने हाल ही में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें से कुछ मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किए थे। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना
नामक योजना की शुरुआत की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो कलाकार होंगे, आर्टिस्ट होंगे, उनको कुछ पैसा देके, मंथली पैसा दिया जाएगा, उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है। इसमें जो है 1200 रुपये मंथली दिया जाएगा, करीब 50,000 आर्टिस्ट को, 50,000 कलाकारों को हर महीने 1200 रुपये दिए जाएंगे मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना के अंतर्गत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 43,129 करोड़ की रिफाइनरी की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? बाड़मेर, राजस्थान में। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और ये जो जो रिफाइनरी होगी, ये HPCL के साथ जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसका करार है, और यहाँ पे BS6 क्वालिटी का ईंधन रिफाइन किया जाएगा। ओके, इसके बाद, और ये पहली रिफाइनरी होगी ऐसे। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर लग रही है? रत्नागिरी में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो ये रिफाइनरी भी होगी, ये तीन बड़ी कंपनी है जो इंडिया की, IOCL प्लस आपका भारत पेट्रोलियम प्लस हिंदुस्तान पेट्रोलियम, में मिलके वो लगा रहे हैं। ठीक है, देन किस राज्य की सरकार ने जनता को पेड़ों के साथ रिश्ते बनाने की परंपरा, जिसे मित या मितनी कहते हैं, को अनुमति दी है? सिक्किम ने। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे ये पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जो आपका ट्री होगा ये इसको भाई या दोस्त इस टाइप के ये रिश्ते बनाएंगे, और जो पेड़ों को कटने को कम करेंगे। तो इन्वायरमेंट के लिए ये काफी अच्छी चीज है। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2017 के लिए किसे दिया गया है? विराट कोहली को। ओके, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और आप ये समझ लो कि हाँ ठीक है, ये जो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जिसको दिया जाता है, उसी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी दी जाती है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप वो भी आंसर, उसका भी आंसर विराट कोहली ही रहेगा। किस टीम ने हैदराबाद में आयोजित होने वाली प्रीमियर बैडमिंटन लीग चैंपियनशिप जीती है? हैदराबाद हंटर्स ने। ठीक है, इस टीम से कैरोलिना मारिन भी खेलती हैं। ठीक है, कैरोलिना मारिन, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था पीवी सिंधु को हरा के। इसके बाद इंडियन पीस कीपर, तो ये जो इंडियन पीस कीपर है, जो यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, वहां से जो विभिन्न देशों में शांति की स्थापना के लिए काम करते हैं, तो इन पीस कीपर्स ने कहां पर सिर्फ 10 दिनों के अंदर अकोका नामक पुल है वो बना दिया है? किस देश के अंदर? साउथ सूडान में। 10 दिन के अंदर ही रिकॉर्ड टाइम में अकोका पुल है उसको बनाया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, साउथ सूडान, साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जूबा। ओके, साउथ सूडान की कैपिटल जूबा, और सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। ठीक है, ओके, इसके बाद देखते हैं खेलो इंडिया, जो ये मैंने बताया था अभी आपको, खेल मंत्रालय ने एक प्रोग्राम चलाया, 17 साल के बच्चे हैं उनके अंदर, उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम है। और इसका मैस्कट क्या है? शुभंकर क्या है? इसके दो शुभंकर हैं, विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बक। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। किस राज्य की सरकार ने अनाथ लोगों को 1% का आरक्षण देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने एक जो अनाथ लोग हैं, और ये जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी जाति के लोग हों, अगर अनाथ हैं तो उनको 1% आरक्षण का प्रावधान रखा है। देन उदय योजना जो है, उसको अब तक किन दो राज्यों ने लागू नहीं किया है अपने राज्य के अंदर? तो जो उदय है उसका फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो इस योजना को अब तक दो स्टेट्स ने लागू नहीं किया अपने अंदर, वो दो स्टेट्स कौन से हैं? पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा। तो ये याद रखिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर मिला है? 182 ग्राम का ये हीरा है, और ये मिला है लेसोथो में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हीरा है लेसोथो में मिला है, और लेसोथो की कैपिटल क्या है? मस्सेरू। ओके, देन 49th क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आनंदी बेन पटेल। और 50वां क्वेश्चन है, अगरतला ढाका तथा कलकत्ता की एक बस सेवा शुरू की गई है, जो अगरतला से चलेगी, ढाका होते हुए कलकत्ता पहुंचेगी, तो इस बस सेवा का नाम क्या है? मैत्री टू। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, मैत्री टू। ठीक है,
और इंडिया और बांग्लादेश के बीच दो ट्रेन चलती हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? बंधन एक्सप्रेस तथा मैत्री एक्सप्रेस। ये भी इम्पोर्टेंट है, बंधन एक्सप्रेस तथा मैत्री एक्सप्रेस, दो ट्रेनें चलती हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले 50 क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करता हूँ, 1-2 दिन में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ले लेकर आ रहा हूँ मैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने भी अब तक मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है UPSC RO के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर लिए, टारगेट UPSC RO ARO। तो ये जो PDF है आपको इसी ग्रुप पे मिल जाएगी, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप RO ARO की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्दी, उसके लिए मैं आपको उसका अनाउंसमेंट दे दूंगा। और मैं RO ARO के लिए कुछ टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने वाला हूँ, उसका एक पूरा प्लान बना के किस तारीख को क्या टेस्ट होने वाला है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको शुरू कर दूँ बहुत जल्दी। तो मैं वीकली टेस्ट रखूँगा मोस्ट प्रॉबली, तो वो बहुत ही जल्दी आपको बता देने वाला हूँ, ओके। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप वीडियो को कहीं शेयर करें तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।